हमारे पास है, उनके कहने से क्या होता है? अच्छा, 18 तारीख को क्यों नहीं गए, जिस समय नामांकन पत्रों की जांच हो रही थी, स्क्रूटनी हो रहा था? क्या पूरी कांग्रेस पार्टी, मोहन मरकाम जी गहरी नींद में लीन थे? उनके वकील क्या कर रहे थे? 3 साल पहले का मामला है, 2019 का मामला है, और 2022 में वो उजागर कर रहे हैं। इतने दिन तक झारखंड की पुलिस क्या कर रही थी? एक भी संबंध ब्रह्मानंद नेताम को जारी हुए क्या? और अगर जारी हुए तो किस दिन जारी हुए हैं? कोई नोटिस जारी हुआ है? कोई गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है? क्यों नहीं किया? हमारे पास है, उनके कहने से क्या होता है? अच्छा, 18 तारीख को क्यों नहीं गए, जिस समय नामांकन पत्रों की जांच हो रही थी, स्क्रूटनी हो रहा था? क्या पूरी कांग्रेस पार्टी, मोहन मरकाम जी गहरी नींद में लीन थे? उनके वकील क्या कर रहे थे? 3 साल पहले का मामला है, 2019 का मामला है, और 2022 में वो उजागर कर रहे हैं। इतने दिन तक झारखंड की पुलिस क्या कर रही थी? एक भी संबंध ब्रह्मानंद नेताम को जारी हुए क्या? और अगर जारी हुए तो किस दिन जारी हुए हैं? कोई नोटिस जारी हुआ है? कोई गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है? क्यों नहीं किया? ब्रह्मानंद नेताम का है, तो पुलिस वाले का मामला नहीं है। और हमारे प्रत्याशी का इन्होंने चरित्र हनन करने का प्रयास किया है। ये सिर्फ ब्रह्मानंद नेताम का चरित्र हनन नहीं है, पूरे छत्तीसगढ़ के आदिवासी समाज का चरित्र हनन करने का प्रयास किया है। और राजनीति में एक स्तरहीन खेल की शुरुआत कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की भूमि पर की है, जो ठीक नहीं है। से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।